आज मैंने बनाया स्ट्रीट स्टाइल वेज मंचूरियन। सबसे पहले कैबेज, कैरेट और स्प्रिंग अनियन को मैंने फाइनली चॉप किया, फिर उसमें जिंजर और गार्लिक को क्रश करके डाल दिया। स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और टेस्ट के अनुसार रेड चिली पाउडर को मैंने ऐड किया। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून मैदा को इसमें मैंने ऐड किया और इसका एक डो बनाया। अगर इस मिश्रण में थोड़ा पानी छूट रहा है तो आप इसमें और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मैदा डाल सकते हैं और इसका यह जो डो है वो इस तरह से बनना चाहिए। अब आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाइए। तेल गरम कीजिए और यह बॉल्स तेल में डीप फ्राई कीजिए। इसे मीडियम आंच पर अच्छी तरह से पकने दीजिए। पकने के बाद इनका यह इस तरह से ब्राउन कलर दिखना चाहिए। अब देखिए यह बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हैं। चलिए अब हम बनाते हैं मंचूरियन की ग्रेवी। उसके लिए हमें एक पैन में 2 चम्मच तेल को गर्म करना है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड जिंजर और गार्लिक। उसके बाद उसमें हम डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज और कुछ हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने थोड़ी ज़्यादा हरी मिर्च डाली है क्योंकि मुझे यह टेस्ट पसंद है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटी हुई कैप्सिकम और कैरेट। अब हमें इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर सौते करना है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कटी हुई स्प्रिंग अनियन। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। स्वादानुसार नमक ऐड कीजिए। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और थोड़ा सा टोमेटो केचप इसमें ऐड कीजिए। इन सब सॉसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। इसे मिक्स करने के बाद कॉर्नफ्लोर और पानी का एक घोल बनाकर इसमें ऐड कीजिए। अब इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और इसे कुछ देर पकने दीजिए। इसे पकने के बाद मंचूरियन बॉल्स को आप उसमें ऐड कर दीजिए। मंचूरियन बॉल्स को इस ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। 1 से 1.5 मिनट तक इसे आप पकने दीजिए। इसके बाद स्प्रिंग अनियन से इसे गार्निश कीजिए और यह खाने के लिए तैयार है। Please like, share and comment and don't forget to subscribe. Thanks for watching. Happy cooking!